तर हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमच्या एड्युगातामध्ये स्वागत करतो. हॅलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका एड्युगाता में स्वागत करता हूँ. आज हम लोग हिंदी उपयोजित लेखन देखने वाले. टुडे वी आर गोइंग टू सी हिंदी राइटिंग स्किल, दैट इज हिंदी उपयोजित लेखन. एंड द टॉपिक विल बी वृत्तांत लेखन. टॉपिक क्या रहने वाला है, विषय क्या रहने वाला है आज का, वृत्तांत लेखन. तो बेसिकली आज के पार्ट में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाई वृत्तांत लेखन, वृत्तांत लेखन क्या होता है मैं ये समझाऊंगा. उसके बाद देर आर सम रूल्स टू बी फॉलोड वाइल राइटिंग वृत्तांत लेखन, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे वृत्तांत लेखन लिखते समय. उसके बाद उस रूल्स को यूज करके, उन रूल्स को यूज करके एक वृत्तांत लेखन में एग्जाम्पल में लिख के दिखाऊंगा, मतलब लिखा है उसको समझा के दिखाऊंगा कि कैसे रूल्स को फॉलो किया जाता है. ठीक है, तो ये सारे चीजें अगर आपको देखनी है तो वीडियो जो है वो जरूर एंड तक देखिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जान के लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय वृत्तांत लेखन, मतलब वृत्तांत लेखन मतलब क्या. अब वृत्तांत लेखन मतलब किसी भी घटना का हमें वर्णन करना है. वृत्तांत लेखन मतलब क्या, वी हैव टू डिस्क्राइब एन इवेंट. कोई भी इवेंट होने वाला है उस इवेंट को डिस्क्राइब करना है. कोई भी एक घटना होने वाली है उस घटना को वर्णन करना है, उस घटना का वर्णन करना है. वर्णन इज डिस्क्राइब करना है. अब वृत्तांत लेखन में जो घटना होने वाली है वो सत्य घटना होने वाली है. कौन सी घटना होने वाली है, कोई एक लाइव इवेंट होने वाला है उसी चीज को हमें डिस्क्राइब करना है. एक सत्य घटना होने वाली है जिसको हमें वर्णन करना है, जिसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है. अब ये जो वर्णन हम करने वाले हैं ये क्रम के अनुसार किया जाएगा. अब ये जो डिस्क्रिप्शन हम लोग करने वाले ये सीरियली होना चाहिए. सीरियली मतलब क्या, मतलब जिस क्रम में घटना घड़ी है उसी क्रम में वर्णन होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हो, मतलब जिस क्रम में घटना घड़ी है उसी क्रम में आप अगर वर्णन नहीं करते हो तो मे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. तो जिस घटना में अगर क्रम घड़ा है ना, मतलब जैसे जैसे एक इवेंट हुआ है वैसे ही आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ये मत भूलिएगा. तो बेसिकली ये वृत्तांत लेखन है किस किस चीजों के लिए लिखा जाएगा, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं. तो बेसिकली कोई भी एक शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकता है, कोई भी सम्मेलन या समारोह हो सकता है, कोई भी नेता की सभा हो सकती है, ये भी कोई भी एक दुर्घटना हो सकती है. दुर्घटना मतलब कोई भी एक इंसिडेंट हो सकता है. तो ये सारे टॉपिक सबके हो सकते हैं जो कि लाइव होने वाले हैं और उस चीज को आपको, मतलब आपके सामने लाइव होगा और उस चीज को आपको डिस्क्राइब करना है और इसी चीज को हम लोग वृत्तांत लेखन कहने वाले हैं. अब वृत्तांत लेखन लिखते समय आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. वो क्या रहने वाले रूल्स देख लेते हैं. सबसे पहले रूल कहता है वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को अच्छी तरह से समझ ले और उसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए. मतलब जो कुछ भी आपको टॉपिक दिया गया है वृत्तांत लेखन में और उसके बाद जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारे चीजें पढ़ना है, उसके बाद कच्ची रूपरेखा तैयार करना है. पढ़ के सबसे पहले समझना है. यू नीड टू रीड दोज थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स एंड यू नीड टू फॉर्म अ रफ स्केच ऑफ दैट वृत्तांत लेखन. रफ स्केच मतलब रफली आपको बताना है, मतलब लिखना है कि क्रम क्या क्या रहने वाला है और उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो. समझ में आ गया फर्स्ट रूल. सेकंड रूल की तरफ देखते हैं. सेकंड रूल कहता है वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश होना चाहिए. अब वृत्तांत जो है उसमें क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं का समावेश होना चाहिए. ठीक है, जो भी फालतू बातें हैं, जो फालतू मतलब जो जरूरत नहीं है ऐसे बातों की, वो बातें आपको इंक्लूड नहीं करना है. जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है या फिर इंपॉर्टेंट बातें जो है उन्हीं टर्म्स को या फिर उन्हीं बातों को वृत्तांत में इंक्लूड करना है. अब थर्ड पॉइंट की तरफ देखते हैं. थर्ड रूल क्या कहता है, वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति विशेष आदि का समावेश होना चाहिए. अब वृत्तांत जो होगा आपका उसमें आपका सबसे पहले दिनांक, मतलब कौन से डेट पे उस वो घटना घड़ी है. समय मतलब कौन से टाइम पे वो घटना घड़ी है. उसके बाद स्थान, किस जगह पे वो घटना घड़ी है. व्यक्ति विशेष मतलब उस घटने के समय कौन कौन सी व्यक्ति वहां पे समावेश थी. ये सारे चीजों को आपको इंक्लूड करना है किस चीज में, वृत्तांत लेखन में. फोर्थ रूल क्या कहता है देखते हैं. वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए. इसका मतलब वृत्तांत में जो कुछ भी आप इवेंट देख रहे हो उसका सिंपल बट स्वीट डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए. कोई भी कॉम्प्लिकेशंस और बुरी तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है. कोई भी सिंपल और स्वीट डिस्क्रिप्शन जरूरी है आपको वृत्तांत लेखन में. उसके बाद वाला रूल क्या कहता है, वृत्तांत घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद में लिखना चाहिए. अब जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला था वृत्तांत जो है वो घटना के क्रम के अनुसार होगा. अब जैसे जैसे क्रम बदलेगा, जैसे जैसे घटना बदलेगी, मतलब क्रम, घटना का जो क्रम है वो चेंज होता जाएगा, आपको अनुच्छेद चेंज करना होगा. ठीक है, जैसे कि पहले पैराग्राफ में आपने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर इंट्रोडक्शन दे दिया क्या क्या हुआ है,
उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप लिखिए कौन कौन से व्यक्ति समावेश हो गए उस इवेंट में। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि किसी प्रकार का फेलिसिटेशन हुआ है या फिर किसी तरह का इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है। ऐसे आप घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद लिखना बहुत जरूरी है, मतलब पैराग्राफ में लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद वाला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वृत्तांत को एक छोटा और आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। अब वृत्तांत जो आप लिखने वाले हो उसको एक छोटा सा स्मॉल और एक इंटरेस्टिंग या फिर अट्रैक्टिव हेडिंग रहना बहुत जरूरी है। जो हेडिंग आपने लिखा है उस हेडिंग को पढ़ के जो पढ़ने वाले हैं उनको और इंटरेस्ट पैदा हो सके वृत्तांत पढ़ने के लिए, इसलिए आपको एक छोटा सा और बहुत अच्छा सा क्या लिखना है, हेडिंग लिखना जरूरी है। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है शब्द मर्यादा, मतलब जो वर्ड लिमिट है वृत्तांत लेखन का वो ही अराउंड 70-80 वर्ड्स। तो आपको समझ में आ गए कौन कौन से रूल्स है। अब मैं आपको एक वृत्तांत लेखन दिखाऊंगा, उसको शॉर्ट में पढ़ के भी दिखाऊंगा, उसके बाद ये रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे कि कैसे मैंने उसमें अप्लाई किया है। मेरे राइट हैंड साइड पे आपको वृत्तांत लेखन का एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, देखते क्या कहता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, गाला विद्यालय के प्रांगण में मनाए गए बाल दिवस का वृत्तांत तैयार कीजिए। कुछ छोटे से गिवन टर्म्स दिए, डेट दिया है और एड्रेस दिया है, ठीक है। उसके बाद वृत्तांत स्टार्ट होते ही देखो सबसे पहले क्या है, हेडिंग। यहाँ पे मैंने बोला था वृत्तांत को एक छोटा सा और आकर्षक शीर्षक रहना चाहिए, बाल दिवस का शानदार समारोह। उसके बाद मैंने डेट्स का भी बोला था, डेट और प्लेस, नाशिक 15 नवंबर, नाशिक के गाला विद्यालय प्रांगण में 14 नवंबर 2018 को धूमधाम से बाल दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 8 बजे हुई, टाइम इंक्लूड किया गया है। विद्यालय के प्रवेश द्वार को फूलों में सजाया गया था। मंच पर बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सा चित्र रखा गया था। यहाँ पे जो व्यक्ति है उनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। चित्र को लाल गुलाब के फूलों का हार पहना गया था, मतलब चित्र के ऊपर जो माला है फूलों की उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। पैराग्राफ चेंज हो गया है, ठीक है। समारोह की अध्यक्षता शहर के प्रसिद्ध कवि राम भाऊ पाटिल ने की, मतलब जो चीफ गेस्ट थे वो राम भाऊ पाटिल, अगेन विशेष व्यक्ति आ गए, उनका भी समावेश किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीधर सुर्वे ने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया। अब प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल को भी इंक्लूड किया है, उनका भी नाम बताया गया है। अध्यक्ष जी ने बच्चों के प्रति नेहरू जी के प्यार से संबंधित कई घटनाएं सुनाई, मतलब नेहरू जी के बारे में कोई कोई टर्म्स जो घटनाएं हैं उनको एक्सप्लेन किया कि इनको बच्चों को। उसके बाद उन्होंने बच्चों से नेहरू जी के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए कहा। इस अवसर पर कुछ बच्चों ने नेहरू जी के बारे में अपनी रचनाएं भी रची या फिर सुनाई, ठीक है। देख रहे हो आप कैसे कैसे टर्न हो रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। आप एक इवेंट को इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो कि जो जो हुआ है, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हुआ है उन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखा गया है, कोई भी अनवांटेड टर्म्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। लास्ट में देखिए, लास्ट के 2-3 लाइन, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक विशाल देशमुख ने अध्यक्ष महोदय को प्रति आभार व्यक्त किया, मतलब वोट ऑफ थैंक्स दिया जाते समय उनका भी नाम समावेश किया है जो टीचर ने वोट ऑफ थैंक्स दिया था। लास्ट में देखिए, राष्ट्रगान के साथ सुबह 11 बजे कार्यक्रम का समापन हुआ, राष्ट्रगान भी हुआ और टाइम भी दिया है सुबह 11 बजे कार्यक्रम समापन हुआ, मतलब कार्यक्रम खत्म हुआ। तो आपको समझ में आया रूल्स कैसे थे और उन रूल्स को अप्लाई करने के बाद ये जो मैंने एग्जांपल आपको अभी दिखाया था कैसे किया है, वो एग्जांपल का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा वृत्तांत लेखन मतलब क्या और कैसे लिखना है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर कीजिएगा, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।